हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप किसी भी करेक्टर का आस्की कोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उस चीज़ को आज हम प्रोग्राम के थ्रू आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को शुरू कर। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपना एडिटर जो है वो ओपन कर चुके हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है वेलकम प्रोग्रामिंग के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक ऑप्शन आपको मिल रहा है न्यू फाइल का, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा न्यू फाइल के लिए, तो एक आपको यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा। आप इसमें अपना फाइल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना फाइल का नाम लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आस्की कोड फाइंड आउट करने के लिए, तो इसलिए हम फाइल का भी नाम लिख लेते हैं आस्की, ठीक है। तो आस्की का स्पेलिंग क्या होता है, ASCII, ठीक है। और फिर दोस्तों इसको जो हम सेव करेंगे तो वो एक एक्सटेंशन कोड के साथ हम सेव करेंगे, जो क्या C++ का फाइल को सेव करने के लिए जो उसका जो एक्सटेंशन कोड होता है वो .cpp होता है, ठीक है। आप इसी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी इसका फाइल को सेव कीजिएगा तो .cpp आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम इंटर जैसे करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो सेव हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ASCII.cpp। अब हम इसके अंदर हम कोड करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल को क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उस हेडर फाइल में हमारा प्री डिफाइंड जो फंक्शन होता है, जो जो हम इस प्रोग्राम में फंक्शन यूज करते हैं, वो सारा अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहले हम उसको इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, ठीक है। हैश इंक्लूड iostream.h, iostream, ठीक है। .h हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा एडिटर है, ये टेक्स्ट एडिटर जो है वो हम न्यू लेटेस्ट वर्जन का हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे .h नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको .h को छोड़ देते हैं। अब फिर हम जैसे इंटर हम दबाएंगे, फिर हम नीचे आ गए, ठीक है। ये दोस्तों iostream, ये जो है एक हेडर फाइल का नाम है जो कि हम C++ में यूज करते हैं। आप अगर C++ का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको iostream लिखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अब हम इसके नीचे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। std, ठीक है। तो ये हम, और फिर लास्ट में हम सेमी कॉलन देंगे, क्योंकि लाइन टर्मिनेटर जो काम करता है, लाइन टर्मिनेट करने का जो काम करता है वो सेमी कॉलन करता है, ठीक है। अब हम फिर इंटर दबाएंगे, फिर हम इसके नीचे आ गए ये थर्ड लाइन में। अब यहाँ पे यहाँ से हम लिखेंगे इंट मैन, ठीक है। दोस्तों अगर आप अभी मतलब बिगनर्स हैं तो दोस्तों आप प्रोग्राम को जितना से जितना हो सके आप इसको वीडियो को देख के आप जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो ज़्यादा बिल्डअप होगा, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल को बिल्डअप करना चाहते हैं तो फिर तो वीडियो को देख के आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आप उसको प्रैक्टिस करें, ताकि इससे जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ किए हैं, ये ओपन और ये क्लोज कर ली ब्रेसेस है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम वेरिएबल के पहले डेटा टाइप्स को लिखते हैं। डेटा टाइप्स क्या होता है आपको पता ही है, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बताते हैं कि डेटा टाइप्स हम उस चीज़ को बोलते हैं कि जिससे कि हम अपने वेरिएबल को हम पहचान सकते हैं कि हम उस वेरिएबल के अंदर हम किस टाइप के डाटा को रख रहे हैं, किस टाइप के डाटा को हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम करेक्टर टाइप के डाटा को लेंगे, क्योंकि हमको करेक्टर को इनपुट लेना है और फिर उसका जो हमको आस्की कोड जो होगा उसको हमको डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे करेक्टर और फिर हम वेरिएबल ले लेते हैं CH। CH जो है ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल हम यूज किए हैं CH नाम से, जो क्या करेक्टर टाइप का है, ठीक है। अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे यूजर को, ठीक है। एक मैसेज प्रिंट होगा यूजर के लिए, जो क्या वो उस मैसेज को पढ़ के यूजर जो है वो अपना इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर एनी करेक्टर,
इंटर एनी करेक्टर, ठीक है। तो जैसे ये यूजर जो है वो इस मैसेज को देखेगा और फिर हम यहाँ लास्ट में इंड एल यूज करेंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए, आपको पता ही है। तो दोस्तों जैसे ही यूजर ये मैसेज को देखेगा इंटर एनी करेक्टर, और जो भी दोस्तों मैसेज लिखेंगे वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे हम जैसे यूजर मैसेज देखेगा तो वो यूजर जो है वो कोई ना कोई करेक्टर जो है वो इनपुट करेगा, ठीक है, कोई भी एक करेक्टर इनपुट करेगा, और उस करेक्टर को एक्सेप्ट करने के लिए हम सी नाम सी इन कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, उस करेक्टर को एक्सेप्ट करने के लिए, और लास्ट में हम सेमी कॉलन दे देंगे लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे हो गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में जरूर हमें लिखें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम उस करेक्टर का हम आस्की कोड फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलिए हम फिर से मैसेज दे देते हैं ताकि यूजर को पता चल सके कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस बेसिस पे हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आस्की कोड ऑफ, हम दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक यूज कर रहे हैं कि आपको जो है मतलब वो दिखेगा कि आप यूजर जो भी करेक्टर को इनपुट करेगा तो उस करेक्टर वो करेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से हम यूज करते हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हम इस तरह से यूज करते हैं डबल कोट्स के अंदर, हम उस करेक्टर को उस वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा है उस डाटा को हम कॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है। और फिर हम लास्ट में लिखेंगे इज, और फिर हम लास्ट में फिर से हम सेमी कॉलन देंगे क्योंकि हम सॉरी डबल कोट्स देंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक डबल कोट्स ओपन किए हैं, तो यहाँ पे एक हम डबल कोट्स से हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे अब इंट सी एच। तो आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों लिखे हैं इंट और क्या बोलते पेरेंथिसिस के अंदर हम सी एच। तो दोस्तों आस्की कोड जो भी होता है, जो भी करेक्टर का आस्की कोड होगा वो हमको इंटीजर टाइप में मिलता है, ठीक है। तो हमको इंटीजर टाइप में आस्की कोड मिलता है इसलिए हम यहाँ पे इंट यूज किए हैं, और फिर हमको आस्की कोड किसका फाइंड आउट करना है करेक्टर का, तो इसलिए हम यहाँ पे उस करेक्टर को हम कॉल किए हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर कि हमें इस करेक्टर का जो है वो हमको आस्की कोड बताओ, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे हम इंटर दबाएंगे तो हम लास्ट में अब प्रोग्राम का जो है वो हम लास्ट पहुँच गए, और यहाँ पे हम लिखेंगे इन रिटर्न 0, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग था कि आप कैसे आस्की कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ही इजी है, आप इस तरह से आप अपने आस्की कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सेव, ठीक है। कंट्रोल एस जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा रन करा कर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका नीचे नीचे जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, आप प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले होगा, ये रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर आपको जो है वो डिस्प्ले होगा जो भी हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटर एनी करेक्टर, ठीक है। तो जैसे ये मैसेज आएगा तो क्या बोले थे कि यूजर जो है वो कोई ना कोई एक करेक्टर को इंटर करेगा, तो यूजर इस टाइम कौन हुए, हम जो यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम करेक्टर लिख लेते हैं, सपोज हम कैपिटल ए लिखते हैं, ठीक। चलिए हम इसका देखते हैं क्या होता है आस्की कोड। तो दोस्तों जैसे हम ये कैपिटल ए लिखने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे तो फिर हमको जो है वो आस्की कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम अभी आस्की कोड दिखाते हैं क्या होता है ए का। चलिए हम इंटर दबा देते हैं, देखिए आस्की कोड ऑफ ए इज 65। देखिए दोस्तों कितना मस्त दिख रहा है, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना ही बिल्कुल नहीं मतलब नीट एंड क्लीन दिख रहा है आपको। आस्की कोड ए का कितना होता है 65।
आई थिंक कि दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कैसे आप ASCII कोड किसी भी करेक्टर का निकाल सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का करेक्टर आप दे सकते हैं, उसका ASCII वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, तो आप हमें इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।